की पढ़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही स्कूल और बुक स्टॉल के बीच कमीशन का खेल भी पूरे शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। स्कूल वालों के कमीशन के चक्कर में अभिभावकों के बजट बुरी तरह से बिगड़े हैं। हालांकि इन सब का फर्क स्कूल वालों को नहीं पड़ता। यदि किसी ने शिकायत की तो सीधा जवाब, कहीं और पढ़ा लो अपने बच्चों को, यहां तो ऐसा ही खर्च करना पड़ेगा। जबकि सरकार की तरफ से इस पर रोक लगी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल पिछले साल के मुकाबले स्कूल यूनिफॉर्म के रेट में 5-6% तक का इजाफा कर रहे हैं। यूनिफॉर्म विक्रेता का कहना है कि जब माल ऊपर से ही महंगा आएगा और मजदूरी बढ़ेगी तो हमारी मजबूरी होगी कि हम भी दाम में थोड़ा इजाफा करके ही बेचें। इस बार सभी चीजें महंगी हो गई हैं। एनसीईआरटी की किताबों का रेट भी बढ़ा है। बच्चों को पढ़ाना है तो महंगी रेट होने के बाद भी मजबूरी है कि हमें सारी चीजें लेनी ही पड़ेंगी। स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। दरअसल निजी स्कूलों ने पेरेंट्स पर कॉपी किताबें खरीदने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। निजी स्कूलों द्वारा कॉपी किताबों का बजट 8,000 से 15,000 तक जाता है, जबकि बाहर से खरीदने पर 30-40% तक की बचत होती है। आखिर क्यों प्राइवेट स्कूल सरकारी आदेश को भी अनसुना करने लगे हैं? निजी स्कूलों की मनमानी पर कैसे लगेगी लगाम?